बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। इस दुआ के साथ आज का ये व्लॉग शुरू करते हैं और आप सबको कहते हैं खुश आमदीद। तकरीबन 4 बजे का टाइम, 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है और हालत इसकी चेक करें। उठ एक बार नहाते रहें, थोड़ा जब फ्रेश हो गए हैं, उठ एक बारी ना, उठ शाबाश। ये जड़ी सुस्ती है ना, गोलियां दा दवाई दा गुबार खत्म हो गए, उठ शाबाश। मैं तो नहीं हिसाब किताब सही होता जिन्ना जेड़ा वो मतलब करें दी ओना जड़ा गलबा पावे दी। उठ शाबाश, टाइम 4:30 हो गए। बिजली है? हाँ बिजली है। अच्छा जी, सुबह मालिश करवाई सी तकरीबन हूँ 5 बार चले और हूँ मैं ऐसे तोंदे तेल दी करवाई सी। हूँ मैं उठ के नहाती हूँ, कुछ अच्छा अच्छा लग रहा वा, लेकिन मेरे ना पेन किलर जड़े गोलियां वा ना ख़त्म हुई वा, तो अली कहनी हाँ मेरिया गोलियां नहीं लैन जाना, मेरी दवाई मैनू लिया दो ताकि बंदा थोड़ा बहुत जरा ना। अज जुम्मा से सैकेंड डॉक्टर बैठते हैं और अगले जुम्मे डॉक्टर साहब उन्होंने बैठना वा, अज ईद तक करके छुट्टी है, तो अगले जुम्मे फिर ना सारी कमर के एक्सरे वगैरह गर्दन के होंगे, फिर दवाई डॉक्टर साहब देंगे, फिर इंशाल्लाह अल्लाह आराम दूगा। और मैनू अपने बहन भाइयों की दुआ की बहुत बहुत सख्त जरूरत आ। इहदा दूसरा दिन से, इहदा सारे अपना बेटियां जांदियां वा अपने माँ बाप को अपने भैन भाइयों मिलन, और मेरा भी दिल करता सी लेकिन तबीयत खराब करके मैं जड़ा ना नहीं गई हैगी, तो अखा देखो किस तरह हुई हुई वा, कितने नहीं जाने दिल करता, बस इतने पई हाँ। चावल पकाए से दोपहरे उही थोड़े पे आ, उही अली खाण गए, उही मैं खाऊंगी, तो क्योंकि दवाई खानी होंगी है, भुख ना भी हो दवाई सख्त अगर ना खाव तो जड़ा ना चक्कर आते हैं। मैंने कहा मेरे पेन किलर लिया दो, थोड़े कपड़े धोने वाले, चल मैं वो बैठी बैठी धो लाऊँ, घर के काम इन्ने करने वाले, मैं दवाई मेरी लिया दो। चल मैं सिर नहीं पाया, इन्नी हिम्मत नहीं हुई, मैं सी नहाती हाँ, वाल वाले उवें हाँ थोड़ी सैट होनी, थोड़ी देर बैठती हाँ तो फिर जो ना सिर पाऊँगी। एक भैन का कमेंट आया कि मेरा सज्जे अंगूठे ते अली सज्जे थे कि खब्बे थे, इस सज्जे या खब्बे अंगूठे थे कमेंट था, इन्होंने स्क्रीन शॉट लिया। एक भैन ने लिखा सी कमेंट कि मेरा अगर तुम गर्दन का मसला वा पट्टियाँ का, तुम ना जैतून के तेल की मालिश करके ना रात को पट्टी लपेट लिया करो उत्ते, तो फिर उस अंगूठे से कलवंजी लगा के पता नहीं रखनी है कि खानी है की करनी किस तरह करके, तो थोड़ी गर्दन का दर्द ना सही हो जाऊगा। और इंशाल्लाह मैं करूँगी, लेकिन कमेंट फिर पढ़ने ना थोड़ा याद भुल गया जी, तो आया से तो मैंने नहीं दस्या भी है मेरा, ये भी करके देख लिए। भैन कह रही थी कि टोटका आजमाया होया वा, तो मैंने अपने भैन भाइयों की दुआ की बहुत बहुत सख्त जरूरत है मेरे लिए, दुआ करे अल्लाह पाक मैं तंदुरुस्ती देवे। ये जड़ी ना परेशानी दे विच जड़ा ना गुजर गई है, कोई ना कपड़ा तो ना कोई जुत्ती तो ना कोई कुछ तो ना कुछ, अच्छा गुजरी जानी है ना, कोई नहीं। छोटी ईद ते खुशियां सी, कपड़े ले सी वक्रे वक्रे दिनों दे, और मेहंदी लाई सी, बाजी तकाफ ते बैठे सी, और बड़ी ईद की कुरबानी शुक्र अलहमदुल्ला सी घर दी, लेकिन जब ना तबीयत ना ठीक होने की वजह से क्योंकि मालिश वगैरह करानी होंगी है, नवे कपड़े खराब हो जाते हैं और जोड़े पे से वह भी नहीं पाए गए, ये बड़ी परेशानी। अल्लाह पाक सब दियाँ परेशानियाँ दूर करे, खुशियाँ का टाइम अल्लाह सब न ठीक करे। मैं हूँ लगी लम्मी पैन उठ के फिर सिर पाऊंगी। मैं नहीं आम लै के आवा, दोपहर तो रोटी भी हिसाब दी खाधी, चावल भी तो अद्धा खा लै है, मैं तो खाने ते तेनू पूछना पे आम लेके आया हूँ। उठ शाबाश, उठ उठ उठ, मैं सुफरा थले
बिल्कुल उक्का जमूह बना के पई रहे, खाता पीता ना, तो जोड़ा वो सुकियां दवाइया खाती रहो, तो लग पता ज्यादा मौज बन जाए। एवें खा रहे हैं, जूस बना दे। अच्छा जी, मैं ना विक्स लगाई सी और बाहर लेटी हुई सी, एसी बंद किया वा, दरवाज़ा खोलिया वा, और शाम हो गई अली दुध लैन गए। मैं ना कमरे से लाइटा चलावा और अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक सब नू अपनी हिफ्ज़ो अमान च रखे। शाम हो गई है तो एक एक लाइट ना चला देनी चाहिए है, और पता चलिया वा कि मैं वश की तबीयत नहीं ठीक, हर कमरे से की लाइट चल गई है। फोन मेरी तो बैटरी कम आ, तो अली ने चार्जर ही नहीं लगाया, लेकिन मैं अपना फोन लगा दी हाँ। मौसम भी कहते ना ठंडा मौसम है, बारिश हुई करके मैं वैष्णो नहीं हॉस्पिटल लेके आ रहा। पहले तो सारे पता किया वा ईदिया छुट्टियां वा कि मैं वैष्णो ने थोड़ी तबीयत खराब आ, अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे माँ को भी बच्चे भी। और मैं देखा हाली दुध लैके क्यों नहीं आए, फिर फोन चार्ज लगानी हाँ। खाना मैं दोपहर ही ज़्यादा बना लिया सी, मेरे को बार बार बनता नहीं है, तो मैंने भी 8 दिन एवें कट्टे पैने, बस गोली पूड़ी खा के तबीयत ठीक हो जाती है। मतलब इन्नी दर्द होंगी तो बंदा बर्दाश्त कर लेना, किसी इन्नी हिंदी ज़्यादा तो बंदे को बर्दाश्त नहीं होंगी। यह देखो दो पहाड़िका सेम इको वर्गे आ, इतें रेंदे टाली को एक है, एक किधर नस गया, आओ देखो दो किन्ने प्यारे माशाल्लाह। शाम का खूबसूरत व्यू, सूरज गरूब हो गया, वाली दुध लेके नहीं आए। मैं विष्णु पहले सीधा जेडी परसों मैं हॉस्पिटल गई सी अल्ट्रासाउंड करवाने गई सी, उत्थे मैं परसों मेरे टीके लगे से पेन किलर लगवाए से, इतने डॉक्टर भाई सिद्ध के या नेरी ना उठ के कितों आया, तो इतने बैठती हाँ थोड़ी हवा लैनी हाँ। भिंडियां इतनी पक पुक गई सारिया, हजे कहना बूटे वढ़ दियो, बाजरा भी इतों वढ़िया गया, वढ़िया जाऊगा ना फिर भरियो। थोड़ी देर इतने बह के हवा लैनी है, बहला मौसम भी ना अच्छा लगता वा। और बैंगन पुदीना रखना वा, बाकी भिंडियां तो बैंगन ज्यादा करने हैं। माशाला बाग का रंग चेंज हो गया, आसमानी घटा उठिया फिरदा सी, दरख्तों के उपर सी सारा जड़ा ना उतर गया वा, कोठी दिया कनोपियां धोतिया गई वा, दरख्तों के उपर जड़ा सीगा सारा। और इवें दिखा रहे से अपने मिठे के बूटे, माशाला काफ़ी सारे मिठे लगे आ, लेकिन मैं थोड़ा दूर नहीं जा सकती, अगे लत्तां च पूरे जिसम च इन्नी दर्द होंगी या बर्दाश्त नहीं होंगी। और मैं वैसे तो जिस तरह भी पता लगता वा फिर भैन भाइयों ना दसांगे, अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक मैं वैसे होर बच्चे तंदुरुस्ती देवे। जिहड़ा भी हिसाब किताब होया इंशाल्लाह भैन भाइयों के नाल वीडियो शेयर कर देनी है, भाई अब्बास ने, फयास ने, मैं वैसे ने, मैं सारे ने मतलब कर देना, क्योंकि किसी ने पप्पा बनना, किसी ने मम्मा बनना, किसी ने अपना चाचू, किसी ने ताया जी, किसी ने दो फिर से दादी, इधरों उस्मान ने मामू, नानी, नाना, और मैं फिर से पुप्पो। भाई जवेर की फैमिली कंप्लीट है, हम भाई वास्ते माशाल्लाह खुशी का टाइम आ, और पहले पहले बच्चे की बहुत ज़्यादा खुशी सारे की होंगी है, लेकिन पहले पहले हूँ जिस तरह बच्चा होना वो बहुत ज़्यादा खुशी होंगी कि बच्चा कि वर्गा होगा। है ना फिक्स लगाई सी गर्दन अपनी भी सारी, तो सारे खिचाओ पैंता वा, इतने बहुत ज़्यादा खिचाओ दर्द इन्नी ज़्यादा, इतने सारिया इस तरह गिल्टियां वा बैक साइड के सारे पिछड़ा दुखों का पता नहीं लगता। तो हॉस्पिटल पहले तो पता किया वा कि डॉक्टर केड़ी बैठी आ, डॉक्टर शाजिया इकबाल बिल्कुल नहीं बैठी, शाजिया सतार बिल्कुल नहीं बैठी, डॉक्टर कोको बैठी, आसिया इकबाल जो हॉस्पिटल मेरी पेंडस का ऑपरेशन होया सी ते समाविया सादिया दा वो डॉक्टर है। तो इतने पता किया वा पहले, क्योंकि ईद दियां छुट्टियां साढ़े तरह डॉक्टर भी इंसान आ, उन्हों का भी दिल करता, उन्हों की भी फैमिली होंगी है, फैमिली ना ईद स्पेंड कर टाइम स्पेंड कर, लेकिन दुख दस के नहीं आता, दुख नहीं इंतजार करता कि खुशी आ छुट्टियां वा नहीं छुट्टियां, ये कोई बंदे जो पता नहीं होंदा। तो हम जिस तरह मैं वैसे तबीयत खराब आ, तो पहले एक
ਚੌਕਾ ਸਮਝੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਫਿਸ਼ ਤੈਰਾ ਤਬਸਮ ਕੋ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਦਾ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਫਤਿਹਪੁਰੋਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣੀ ਵਾਲੇ ਆ ਹੋਸਪਿਟਲ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਲੀਨ ਗਿਆ ਅੰਬ ਖਾ ਦੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਖਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ ਪਈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਦੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਵੰਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਧਿਆਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੁਆ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੂਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਏ ਕਿ ਧਾਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੰਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਮੰਜੀ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ 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 ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਘਰ, ਫੋਨ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜਰ ਲਾ ਦੂੰ, ਬੱਤਲ ਫਿਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਆਸੀਆ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਬੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਹਮਨਾ ਵਾਰੀ ਔਰ ਹਿਬਾ ਵਾਰੀ, ਇਤਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਇਤਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸੀਆਂ ਵਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਮੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਕਿ। ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਪਏ ਆ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ, ਨਾ ਜੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਬਣਦਾ ਵਾ ਜੇ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਲੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਹਲੀ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਚਾਵਲ ਪਏ ਆ, ਇਹੀ ਖਾਣੇ ਆ ਸ਼ਾਮੀ, ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਪਲਾਓ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੰਮ ਦੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤਬੀਅਤ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਦੁਆ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਬਲ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੋਣਾ ਮੈਂ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਸੋਣਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਧੋਤਾ ਵਾ ਨਾ ਕੰਬਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਬੇਟੀ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਿਓ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਦੇਵੇ। ਪੰਖਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਨਾ ਏਸੀ ਚਲਾਇਆ ਵਾ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਅਲੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਕਸ ਲੱਗੀ ਆ। ਔਰ ਤੋ ਬਾ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮਜਬੂਰੀ ਟਾਈਮ ਗਈ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜੋੜੀਆਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਅਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂ, ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਨੇ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਦੇ ਕਰਨੇ ਦੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋੜੀ ਤੋੜਦੀ ਹੋਵੇ। ਦਵਾਈ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾ ਲਊਂਗੀ, ਜੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਜੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਦੋਸਤ, ਅੱਛੀ ਸਹੇਲੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅੰਮੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਕੁਛ ਬਸ਼ਮੀਮ ਕਰੇਗੀ, ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਔਰ ਆਪਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਟਲ ਛੋਟਲ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਆ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਆ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਤ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਈਦ ਨਾ ਸ਼ਬਰਾਤ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਸੀਬ ਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਉਹ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ।
अल्लाह हाफिज़।